अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड फिटनेस। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेस मास्क, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस मास्क है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, इसमें के लिए आप सबसे पहले खाली बाउल ले लें। मैं उतना ही रेडी करूंगी जितना कि मुझे यूज़ करना है। एक फेस के लिए इतना काफ़ी होगा। आप इसको बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपने इसको फ्रेश बनाना है और इसको फ्रेश ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कोको पाउडर का। जी हाँ, कोका पाउडर जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तकरीबन एक चम्मच जो है वो मैं इसमें कोका पाउडर का यूज़ करूँगी। ये देखें, सिर्फ़ एक चम्मच आपने इसमें कोका पाउडर ले लेना है। ये एक फेस के लिए काफ़ी होगा। अब वेस्ट ना किया करें चीज़ें, उतनी यूज़ करें जितनी आपको चाहिए होती है। उसके बाद मैं इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, वो है हनी। शहद यूज़ करूँगी मैं इसमें। हनी हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून यूज़ करेंगे। हनी एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, ये स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कोको पाउडर में जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट होता है। ये एक तो ये जब आप स्किन पे लगाते हो, ये स्किन पे वक्त से पहले आने वाली झुर्रियाँ जो होती हैं, आपकी स्किन जो होती है झुलस रही होती है, मतलब लटकना स्टार्ट हो जाती है, ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, उसको ये कम करता है। उसके अलावा ये आपकी रंगत को भी निखारता है। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून हनी। ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करूँगी मैं, थोड़ा सा। ये देखें, तकरीबन आपने इसका एक चम्मच का चौथाई हिस्सा आपने इसमें हनी डाल देनी है। देखें, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर आपने उतना ऐड करना है जितना आप कि ये अच्छी तरह से फाइन सा पेस्ट बन जाए। मैं इसी स्पून से डाल देती हूँ। मिक्स करके देख लेते हैं। इस तरह से आपने इसका पेस्ट बनाना है कि ये फाइन सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाए। कोका पाउडर है, ये पानी, रोज़ वाटर जो है लिक्विड चीज़ों में मुश्किल से ही ये हल होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से आपने इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। जब भी आपने इसको लगाना है अपने फेस पे, इसको फ्रेश ही रेडी करना है। इसको बना के आपने फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते आप। देखिए, बहुत अच्छा सा ये फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका कोको पाउडर का पूरा फेशियल आपके साथ शेयर करूंगी। जो लोग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताएं। आप लोगों की फरमाइश पे मैं ये पूरा चॉकलेट का फेशियल जो है वो आप लोगों के साथ, होममेड फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने का तरीका इसका ये है कि सबसे पहले अगर आपने फेस पे अप्लाई करना है तो आपका फेस जो है वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अपने फेस को अपने अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने इसको लगा रहने देना है। उसके बाद आफ्टर दैट आपने इसको 5 मिनट के लिए मसाज करना है। यूँ इस तरह सर्कुलर मोशन में आपने इसको मसाज करना है। आपने 5 मिनट के लिए पहले इसको लगा रहने देना है। मैं आपको फ़ौरन से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इसको मसाज करते रहना है। 5 मिनट के बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है। इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स। जो लोग चाहते हैं कि उनको
ये हनी सूट नहीं करता है वो हनी स्किप कर दें। हनी की जगह पे आप वो ब्लाई डाल सकते हैं, दूध के ऊपर जो ब्लाई आती है, क्रीम आती है, उसको डाल सकते हैं। दूसरी आप पैकेट वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी क्रीम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप हनी नहीं डालना चाहते हैं। आई थिंक हनी किसी की भी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन गर्मियों में गर्म होता है, इस वजह से शायद किसी की स्किन पर सूट ना करें, तो आप हनी को स्किप करके आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, होपफुली आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।